फांस। गाइस साइलेंस प्लीज। बाइक बाइक कैमरा में देखिए। वी आर रियली हैप्पी सीइंग हर व्हाट एवर शी इज डूइंग सेंटर में। बहुत ही अच्छा कर रही है एंड हमें बहुत प्राउड है एंड आई थिंक शी हैड मेड लॉट ऑफ फैंस। माशाल्लाह उसके फैन थे ऑलरेडी बट शी हैज डन वेरी 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 वेल। वेरी प्राउड ऑफ हर। वेरी प्राउड ऑफ हर। शी इज नॉट बीइंग वेरी ना ही वो बहुत अच्छा नहीं लगता है मी माई मदर एवरी वन इन द हाउस बट एवर शी इज डूइंग हाउ एवर शी इज जो भी दिख रहा है विच इज सो रॉन्ग मतलब मुझे ऐसा लगता है वो गलत है और वो वैसी नहीं है जैसा वो दिख रहा है लाइक सेल्फिश एंड ऑल ये सब बोला जा रहा है विच इज आई एम नॉट लाइकिंग इट बट या शी इज डूइंग वेरी वेल व्हाटएवर शी इज डूइंग अमेजिंग बहुत अच्छा कर रही है। वो हमेशा फर्स्ट डे से लेके अब तक बोलते हैं दैट शी नीड्स टू विन द ट्रॉफी शी नीड्स टू विन द गेम है उस वजह से उन्हें बहुत टारगेट कर रहे हैं तो उस पर क्या कहना चाहेंगे दैट शी वॉन्ट्स टू विन इज इट रॉन्ग। आई थिंक सबका यही मोटिव है इवेंचुअली दैट यू नो वी हैव टू विन एवरीबडी इज कमिंग देयर टू विन। सबके माइंड सेट यही होते हैं कि नहीं हम तो जीत के ही जाएंगे ऐसा नहीं है उसका इवेंचुअली उसका माइंड सेट है बट ये कैसा है लाइक हाउ वी कैन से सब लोग यही सोच कर आए कि हमें जीतना है बट वो बोल रही है वो बोल रही है वो दिख रहा है और लोग उसको मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं लोग गलत बोल रहे हैं बट ठीक है उसे जीतना है ऑफकोर्स वी वॉन्ट हर टू विन एंड इवेंचुअली इंशाल्लाह वी आर वेरी पॉजिटिव वो जीत सकती है एंड शी विल विन होपफुली। रणवीर जी के साथ जो उनकी लेके आप लोग जो है लाइक स्टार्टिंग से ही दोनों का नहीं चल रहा है एंड बहुत सारे ब्लंडर्स भी हो रहे दोनों के बीच में उस पर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सना को रणवीर जी के साथ जो बॉन्डिंग उनकी गलत दिखाई जा रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे। बॉन्डिंग मेरे ख्याल से वो आई थिंक उनकी तरफ से ही नहीं है रणवीर जी की तरफ से वो ट्राई भी कर रही है तो वो नहीं हो पा रहा है तो वी विल नॉट से के एंड ही इज़ ऑल्सो मैच्योर मैन शी इज़ ऑल्सो मैच्योर इंडिविजुअल आई थिंक दोनों को समझना चाहिए एंड ही इज़ सेइंग लॉट ऑफ शिट नेशनल टीवी पे और नॉट टीवी भी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये भी बड़ा प्लेटफॉर्म है 14-15 crore लोग देख रहे हैं आपको एंड वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं विच इज़ वेरी इमेच्योर आई फील और सना शी इज द वे शी मतलब वो जो दिख रही है ना वो वैसी बहुत सारे कि वो जैसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि हाँ मैं सेल्फिश और मैं किसी से जल्दी बॉन्ड नहीं बना पाती बट हर एपिसोड में उनका अलग चेहरा देखने को मिल रहा है उस पर भी कई क्वेश्चन आई थिंक शी इज वेरी स्वीट एंड काइंड आपने उसका रिलेशनशिप शिवानी के साथ देखा है उसका रिलेशनशिप शी वॉज वेरी ऑनेस्ट विद शिवानी क्योंकि शिवानी बहुत छोटी सी थी ठीक है थोड़ी मूड स्विंग सबको होते हैं बट दैट डजेंट मीन कि वो सेल्फिश है दैट डजेंट मीन कि वो बॉडी कॉल क्या बोला दूसरा क्या बोला जा रहा है सेल्फिश है सेल्फिश है और वो मतलब मैं जल्दी से टू फेस व्हिच इज अ रॉन्ग वर्ड आई थिंक शी इज नॉट लाइक दैट शी इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट वो बहुत सच बोल रही है जो भी है उसका वो दिल से कर रही है और एंड आई थिंक शी इज डूइंग वेरी वेल यार मतलब मुझे हम लोग को कोई कंप्लेन नहीं है सब उसे प्यार कर रहे हैं दुनिया उसे प्यार कर रही है आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है और वो घर के अंदर क्या हो रहा है वो चार दीवार में पीछे क्या बात होती है हमको नहीं पता हमें नहीं पता उसे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है चार जन पीछे उसने तो किसी की बुराई नहीं की हैव यू सीन के उसने किसी का बैठ के वो लोग चार जन बैठे हैं और उसे बुराई कर रहे हैं नो शी इज़ नॉट द वन जो बुराई करे किसी की शी इज़ नॉट द वन ओके सो आई फील कि मिस इंटरप्रेट करा मिस जज करा हुआ है शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीन और वो जैसी है वो वैसी ही खेल रही है दैट्स वेरी क्यूट आई फील बहुत अच्छा है नेजी उसे बहुत सही समझा रहा है मतलब मुझे ऐसा लगता है ना नेजी जो भी बोल रहा है आई थिंक आई फाइंड हिम रियली क्यूट बहुत क्यूट बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि वो स्वीट बनकर डबल प्ले नो 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 शी इज वेरी मच जो उसको पसंद आ गया तो उसको पसंद आ गया शी इज देयर फॉर आल्सो शफा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सना को और नेजी को मैं बता दूं आपको लोगों में जो हुआ है ऐसा कहा गया है नेजी से कहा गया था कि सना के साथ उनका प्यार वाला रिलेशन है जिसमें नेजी बहुत भड़क गए आई थिंक वो तो होना ही भड़कना ही चाहिए मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी सॉरी बट कैसा है ना
वो इसलिए भड़का होगा बिकॉज उसके दिल में वो चीज़ नहीं है। गलत बोल के दुनिया की नज़रों में वो गलत बात क्यों फिट करना। इवेंचुअली सबको स्टार्ट में ऐसा लगा था कि मे बी ही हैज सम अफेक्शन, बट वो सिर्फ फ्रेंडली नोट पे, आई थिंक वो सिर्फ फ्रेंडली बॉन्ड है और वो उसको रियल में फ्रेंड जैसा समझता है। दैट इज व्हाई यू नो आई फील लाइक दैट। टॉप 3 में किसको देख रहा हूं? I'm seeing my sister first. I'm hoping that she's winning it. And dusra of course Kataria. Lokesh Kataria is there for sure. And third I feel third ka mein confusion hai, bahut saari jagah third mein. But ho sakte hai Ranveer. Vishal ke jaane par bhi Sana bahut phoot phoot kar rohi thi. Kya sach mein unka aisa hi nahi chal raha? नहीं वो ऐसी नहीं है, बट आई थिंक विशाल को लेकिन कैसा है ना, वो एक घर में आप जब जाते हो यू फील वेरी लोनली, यू नो यू आर अलोन, देयर इज नो वन इन द हाउस, नो फैमिली, नो वन। तो कैसा होता है कि अब वो एक महीना किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, इवेंचुअली यू गिव दैट टाइम एंड अफेक्शन टू दैट पर्सन एंड यू फील दैट दैट पर्सन इज योर फैमिली वाला। सो आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट वो इमोशनली उससे कनेक्ट हुई है एंड उसी रीजन से वो रोई है एंड दैट वॉज रियली जेन्युइन। आपने सबने देखा दैट यू नो हाउ वी फेल रियली बैड यू नो सीइंग दैट, बट विशाल का एविक्शन भी रॉन्ग था। तो मैम वन क्वेश्चन, बार में ऐसा हुआ था कि विशाल और कटारिया ने उनका साथ नहीं दिया ना, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो फ्रेंडशिप अपने तरफ से सना ने बहुत ही पाई लेकिन जो उन्हें मिलना चाहिए था और रिवॉर्ड बैक में वो नहीं मिला। विशाल एंड कटारिया फ्राइडे के वीकेंड वार में ऐसा हुआ था जहाँ पर सब लोगों को टारगेट दिया था और ऐसे में विशाल और कटारिया ने भी पीछे कर लिए थे, तो उस पर आप क्या कहते हैं? आई फील देखो उनका परसेप्शन है, उनका थिंकिंग है, उनका सोच है, तो हम चेंज नहीं कर सकते किसी की सोच और किसी का परसेप्शन। बट आई थिंक शी इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है यार सब इधर गेम खेलने आए हैं, इट्स अ गेम, सब इधर गेम खेलने आए हुए और यू नो दे आर दे ऑल आर इवेंचुअली दे वांट टू प्ले एंड दे वांट टू विन, तो इतना दिल पे लेने की कोई जरूरत ही नहीं आई थी। उसने खास दोस्त बनाई है अपने, जो कटारिया है, विशाल है एंड ऑफकोर्स शिवानी, शी रियली लाइक्स हर, बट शिवानी का भी लास्ट लास्ट में जो उसका डबल फेस या डबल स्टैंडर्ड दिखा विच इज़ वेरी रॉन्ग, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, गेम है। अब आई थिंक शिवानी को भी जाके, मैंने आज ही एक वीडियो देखा जहाँ पे शिवानी भी बोल रही है दैट यू नो हमको इतना गलत बता रहे हैं अंदर, बट बाहर बहुत पॉजिटिव हो रहा है, तो जैसे ऑफकोर्स बाहर बहुत पॉजिटिव हो रहा है एंड वी आर होपिंग दैट सना विंस। थैंक यू सो मच।